साफ कराइए नाले पूरी। सर हमने पहले हमने ये सोच ये कहा था अगर जरूरत पड़ेगी तो टूटेगी और नहीं जरूरत पड़ेगी हमारा काम हो जाएगा। अभी बनी ज्यादा पुरानी नहीं बनी। आप कह रहे उससे बाद में आई उससे बाद में आई नहीं वो हम करें हम सुमार को डिसीजन कर लेंगे क्या होना क्या नहीं होना। पब्लिक को तो छोड़े नहीं ऐसे दंग दंग आप बैठ के बात कर लीजिए अगर आज कर देंगे अभी सर। लेकिन ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं तोड़ रहे थे वो लोग ये तो बात तोड़ रहे थे ऐसे नहीं ऐसे तोड़ा हम जब पीवाई थी उससे पहले हम आ चुके थे थोड़ी ना तोड़ा जैसी भी लगा दी थी उसने चौकी तो आप परमिशन भी लगा दी थी चौकी पर मैं सामने खड़ा था तो लग जाती ऐसे नहीं ऐसे बुलाया तो इसलिए बुलाया था आपको चौकी इंचार्ज को बुलाया था कि आप आइए बुलाया आप ही को था इसलिए बुलाया था इतना क्यों आप वो कर रहे हैं कोई दिक्कत सर यहाँ पर क्या विवाद है और किस वजह से पुलिस को आना पड़ा। ये ओरछा गेट चौकी क्षेत्र में पुरानी चौकी का एक कमरा बना हुआ है हमारा जिसपे यहाँ की पार्षद हैं वो नगर निगम से टीम बुला करके और नाले की सफाई करवा रही हैं। नाला सफाई ठीक था नाले के बाद उसके बाद में हमारी चौकी पड़ती है और नगर निगम की टीम ने जेसीबी से चौकी तोड़ने का प्रयास किया था उसको रोका गया है और पार्षद जी का कहना है कि चौकी नाला साफ कराने में चौकी आड़े हाथ से आ रही है इसलिए इसे तोड़ना पड़ेगा। अधिकारियों से बात करें जो अधिकारियों को डिसीजन होगा उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। अतिक्रमण के लिए क्या अतिक्रमण हटवाने के लिए नगर निगम की टीम आई जो कि पुलिस प्रशासन कोतवाली से आई उन्होंने रोक दिया। तो क्यों हटवाना चाह रहे हैं जो अतिक्रमण है कम से कम 10,000 परिवार का पानी रुका हुआ है डेली यूज का पानी नहीं निकल पा रहा। जब डेली यूज का पानी निकला तो बरसात का कैसे निकल जाएगा वो ये समस्या काफी गंभीर है आप जाके देख लीजिए। क्या मांगे हैं आप लोग हम लोगों की ये मांगे अतिक्रमण हटा दिया जाए जैसा पानी निकलता है वैसा निकल जाए हमें कोई उससे क्या चीज आ रही थी अतिक्रमण पूरा कवर्ड है एरिया जो नाला था उसके ऊपर RCC डली हुई है उसमें ना कोई कर्मचारी घुस पाता ना सफाई हो पाती है। आज अतिक्रमण टीम क्या हटाने आई थी अतिक्रमण हटाने आई थी वो सिल्ट निकालने आई थी ऊपर से जो फर्श डला है वो निकल जाए और जो लेबर घुस के सफाई हो जाए उसकी। बना क्या है था? इधर जो नाला है उसके ऊपर RCC ने गेट लगा दिया दिबिल खेस के गेट लगा दिया कि कोई अंदर नहीं जा सकता।